ओ भारत देश का जो संस्कृति है उसके बारे में आप बात करने वाले हैं, तो सभी बच्चे बहुत उत्साहित हैं आपका स्पीच सुनने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो स्पीच है वो जीवन में नहीं भूलेंगे, आपका मोटिवेशन उनको सदा याद रहेगा। तो उम्मीद से मैं आपको आह्वानित करती हूँ कि आप उनको विशेष उपन्यास भारत की संस्कृति के बारे में बताएं, प्लीज। आप सब हिंदी समझते हैं अच्छे से? बहुत अच्छी बात है। मैं केवल हिंदी में ही बात करता हूँ, मैं केरल में भी जाता हूँ तो हिंदी में बात करता हूँ। आप जानते हैं कि जापान का प्रधानमंत्री विश्व में कहीं जाता है वो केवल जापानीज में बात करता है, रशिया का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रशियन में बात करते हैं। हमें ही पता नहीं कैसी बीमारी थी कि हम जाके इंग्लिश में बात करने का प्रयत्न करते। मैं यहीं से आरंभ करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपकी जो भीतरी कला है, जो मुझे इतना सुंदर गिफ्ट मिला है, मैं इसको कभी नहीं भूल सकता। ये विश्व में केवल बीदर में ही ये कला होती है। इस बार ओलंपिक में फ्लावर पॉट यहीं से बन के गए हैं। ओलंपिक में जो सबको गिफ्ट दिए गए हैं, जो आपने फ्लावर बुके देखा है, भारतीय कला। और यही फोर्ट की जो मिट्टी है, इसमें कल मैंने इसकी स्टोरी भी की अपने यूट्यूब चैनल के लिए, वो एक आधे दिन में मैं उसको कर दूंगा। और आज मैं आया हूं भारतीय संस्कृति के ऊपर, इंडियन कल्चर क्या है हम और जाएंगे। ये भारतीय संस्कृति है, ये हमारे देश के कितने नाम हुए। हमारे देश का पहला नाम क्या था आपको मालूम है? जी नहीं, उससे भी पहले नाम था आर्यव्रत। आर्य किसे कहते हैं? श्रेष्ठ को। तो हम सब मनुष्य हैं तो हम पहले श्रेष्ठ हैं। जातियां तो सब बाद में आई, पंथ सब बाद में आए। सीता जी भी राम को आर्य करके बुलाती थी, ये जानकारी है ना हमें। आर्य व्रत से भारतवर्ष हुआ, भारतवर्ष से इसका नाम हिंदुस्तान हुआ, हिंदुस्तान से इंडिया हुआ। ये जो दो नाम हमें छठी शताब्दी में भारत के ऊपर जब आक्रमण होने शुरू हुए, उसके बाद हमें हिंदू नाम मिला। उससे पहले हमारे किसी ग्रंथ में हिंदू नाम नहीं। हम सब सनातनी हैं। सनातन मींस जब से पृथ्वी आरंभ हुई है, तो ये सनातन धर्म है। पूरे विश्व के लोग सनातनी हैं। समय समय पर देश काल परिस्थितियों के अनुसार हमें अपने अपने अलग से पंथ बनाने पड़े। जैसे लेटेस्ट सिख पंथ जो है वो 350 साल पहले आरंभ हुआ। जैनिज्म हुआ, बुद्धिज्म हुआ, जूस आए, इस्लाम आरंभ हुआ। ये सब समय समय पर, ये नियम है पृथ्वी का। हम आज कितनी जातियों में बढ़ गए हैं। हमें एक कौन करता है? हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर। हम सब प्रातःकाल उठते हैं, धन्यवाद करते हैं उस परमपिता परमात्मा का, उस सुप्रीम पावर का, जिसने हमें सबसे पहले मनुष्य के रूप में जन्म दिया। इतने सारे प्राणी हैं विश्व में, उनमें से मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। तो क्या हम अपनी सर्वश्रेष्ठता का परिचय देते हैं, या हम जानवरों की तरह से जीना चाहते हैं? केवल मनुष्य मुस्कुरा सकता है, कोई प्राणी नहीं मुस्कुरा सकता। तो हम मुस्कुराहट भी भूल चुके हैं। हमें सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। अब भारतीय संस्कृति की हम बात करते हैं। हमारे यहां जो विनाश हुआ, लॉर्ड मैकाले
बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे जो भारत आए थे। जब ब्रिटिशर्स भारत पर अपनी प्रभु सत्ता, पूरे विश्व में अपनी प्रभु सत्ता जमा रहे थे और वो भारत में भी उनका आगमन हुआ, और लॉर्ड मेकाले ने अपने पिता को लिखा था, उनका लेटर बहुत फेमस है, आप सब जरूर उसको पढ़िएगा, कि अगर भारत के ऊपर राज करना है तो वहां की संस्कृति को नष्ट करना होगा। संस्कृति में हमारा साहित्य, हमारे गीत, हमारी कविताएं, हमारे नृत्य, हमारा लेखन, ये सब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। आप हिंदी भाषा कोई ले लीजिए, इंग्लिश भाषा में केवल 6,500 वर्ड्स है केवल ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में। हिंदी में कितने शब्द है मालूम है आपको? 1,75,000, 1,75,000। तो कौन सी भाषा ज्यादा रिच हुई? हमारे वहां एक मून बोलते हैं चंद्रमा को, हमारे यहां चंद्रमा के कितने नाम हैं? सूर्य के कितने नाम हैं? रात्रि के कितने नाम हैं? इसीलिए हमारा साहित्य, हिंदी साहित्य सबसे रिच है। हमारी भाषाएं दक्षिण भारत की संस्कृत से ही ली गई हैं। संस्कृत तो और भी ज्यादा रिच भाषा है। आज कंप्यूटर में जो कीबोर्ड बनाया गया, कंप्यूटर का पूरे वर्ड की लैंग्वेज को ट्राई किया गया, किसी से पूरा नहीं हुआ, केवल संस्कृत यूज होती है। जब कंप्यूटर बना तो उसमें गर्व की बात है हर भारतीय के लिए कि उसमें संस्कृत के द्वारा ही कंप्यूटर चल रहा है पूरी दुनिया। हमें समय समय पर नष्ट की गई हमारी संस्कृति को। तक्षशिला, नालंदा दो ऐसे विश्वविद्यालय थे जहां पूरे विश्व के लोग पढ़ने के लिए आते थे। उस समय किंगडम था सभी जगह पूरे विश्व में, तो सभी राजा अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भारत भेजते थे तक्षशिला और नालंदा में, और उसको नष्ट किया गया आप सब जानते हैं। 12 वर्षों तक लाइब्रेरी को जलाया गया, इतनी पुस्तकें थी और इतना जबरदस्त सिस्टम था कि उसके अंदर पानी जो था दीवारों के अंदर वाटर मूव करता था कि जिससे वो सारा एक तो ठंडा रहे और दूसरा वो सुरक्षित रहे। सबसे पहले उस पानी को बंद किया गया, नदी से जो पानी आता था। तो विदेशी आक्रांता आके जब हमारे देश के ऊपर राज कर रहे थे, समय समय पर मुगलों से लेकर जितने भी सब आए, उन सब ने भारतीय संस्कृति का हास किया, उसको डिस्ट्रॉय किया, जो आप सबको आज सामने हम उसको भुगत रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है, हम गर्व ही नहीं महसूस करते। आज पुनः भारत जो है पूरे विश्व में क्यों छा रहा है? केवल अपनी संस्कृति के कारण। योग हमारी संस्कृति का हिस्सा है। योग करना कोई धर्म से जुड़ी हुई बात नहीं है। आज पूरे मिडल ईस्ट में उन्होंने योग को स्पोर्ट्स के रूप में अडॉप्ट किया, वहां हर स्कूल में योग होता है। अभी भी भारत में हर स्कूल में योग नहीं होता। ये राजनीतिक कारण है, हम सब जानते हैं। योग से बिना पैसा खर्च किए हुए जब आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, तो क्या ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ है? योग में सांस कैसे लेना है ये सिखाया जाता है। हमारे जो प्राणायाम है, हाउ टू इनहेल, हाउ टू एक्सहेल, हमारी आयु हमारी सांसों पर निर्भर करती है। जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी दिन हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती है। और कितनी सांसें लेनी है, और जो योग करने वाला है उसकी सांस लेने की, वो एक नॉर्मल व्यक्ति 15 से 20 सांस लेता है, बच्चा और भी ज्यादा सांस लेता है, लेकिन योग करने वाला 1 मिनट में 5 से 6 सांस लेता है और उसकी आयु वैसे उससे ही बढ़ जाती है। हम अगर योग को अपना लें, हम अपनी आयु को लंबा कर सकते हैं।
हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। इसके बाद हम कला संस्कृति की बात करते हैं। प्रत्येक गांव में आप सब जानते हैं कि हमारे यहां गीत होते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर रिचुअल्स के गीत हैं। वो गीत क्यों बने थे? ताकि अपने जो रिचुअल्स हैं, हमारी जो संस्कृति है, उसको हम अपनी अगली जनरेशन तक पहुंचाएं। गीत नानी और दादी गाती थी पहले, हमारे से थर्ड जनरेशन हमारे गांव के हर उत्सव में गीत गाते थे, आज भी गांव में गीत गाए जाते हैं। आप सबको भी कुछ ना कुछ आते होंगे गीत। तो ये हमारी संस्कृति का, देखिए प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार से संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हम प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, सारी प्रेयर सारी पूजा हर पंथ की हर धर्म की म्यूजिकल होती है। क्यों? क्यों? सुप्रीम पावर को भी संगीत प्रिय है। एक अजान से लेकर सूफी गायन गुरुद्वारे में आप देखिए, केवल संगीत के साथ ही सारी उनकी प्रेयर होती है। चाहे जैन धर्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, सनातन धर्म के बारे में आप जानते ही हैं, हर देवी देवता के लिए हमारे यहां भजन है सुबह से लेकर, और सब म्यूजिकल है। तो संगीत कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। संगीत से हम हेल्दी होते हैं, संगीत से आजकल ट्रीटमेंट भी हो रहा है। आप डिप्रेशन में हैं और अच्छा संगीत सुनिए, और डिप्रेशन में जाना है तो आप वेस्टर्न म्यूजिक लगा लीजिए, ठीक है ना? आप खुद महसूस करेंगे, ये कोई बताने की बात नहीं है। आप 10-15 मिनट तक वेस्टर्न म्यूजिक पूरे शोर पूरे वॉल्यूम में सुनिए, और उसके बाद महसूस कीजिए कि मुझे क्या हो रहा है। और वही आप बांसुरी सुनिए, सितार सुनिए, हमारे इतने वाद्य यंत्र हैं। आप सिर्फ अपने मोबाइल पे भी सुन सकते हैं और इसका रिजल्ट देख सकते हैं। जब भी आप तनाव में हो, आपको प्रतिदिन म्यूजिक सुनना चाहिए और आप तनाव से मुक्त हो जाएंगे। डिप्रेशन, टेंशन, ये जो सब बीमारियां हैं, इनको हम दूर कर सकते हैं। दुनिया में करोड़ों जानवर हैं, उनके लिए कोई डॉक्टर है क्या? मनुष्य को डॉक्टर क्यों चाहिए? उन जानवर में तो बुद्धि भी नहीं है। और हम सब, क्योंकि हम उन 5 एलिमेंट से जिनसे हमारा शरीर बना है, जिसे 5 तत्व कहते हैं, जब तक हम उनके साथ जुड़े हुए, सारे जानवर 5 तत्वों के साथ जुड़े हुए, 5 एलिमेंट के साथ जुड़े हुए। कोई जानवर शाम को 6 बजे के बाद भोजन नहीं करता, सनसेट के बाद। कोई जानवर दूसरे जानवर का दूध नहीं पीता है। मनुष्य है जो किसी भी जानवर का दूध पी लेगा, दूध क्या पिएगा, हर जानवर को मार के खा जाएगा। तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हम पेड़ों की पूजा करते हैं, हम जानवरों की पूजा करते हैं, हम इसीलिए एक एक देवी देवता के साथ, क्योंकि मनुष्य एजुकेटेड नहीं था, तो एक एक जानवर को एक एक देवता के साथ, देवी के साथ जोड़ दिया गया। ये वो हमारा सनातन धर्म है, जिसमें हम चींटी भी अगर हमारे पांव के नीचे आ जाए तो हम उसे पाप समझते हैं। हम किसी प्राणी का दिल ना दुखाएं। हम अपनी प्रेम में क्या बोलते हैं? सर्वंतो विश्व मार्यम, हम सभी के सुख की प्रार्थना करते हैं। यह विश्व का एकमात्र सनातन धर्म है जो रोज प्रेयर में पूरे विश्व में सभी लोग सुखी हो, सभी लोग प्रसन्न हो, हम इसकी बात करते हैं। ये सब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ओम के बारे में आपको मालूम है, साइंटिस्ट जो नासा में साइंटिस्ट हैं, उनका यह कहना है कि सूर्य में से ओम की ध्वनि आती है।
ये तो जबरदस्ती जोड़ दिया गया कि ओम बोलने का मतलब है कि वो हिंदू है, सनातनी है और इस धर्म के साथ है। केवल ओम के उच्चारण से हम अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। योग में ओम का अलग अलग उच्चारण जो है वो हमें स्वस्थ करता है। लोक संगीत, आदिवासी संगीत, अभी हम ट्राइबल के ऊपर काम कर रहे हैं पूरे देश में। भारत में लगभग 10% से ज्यादा ट्राइबल्स हैं टोटल पॉपुलेशन का। एक्चुअल में तो हम सब ट्राइबल्स ही हैं। हम जनजाति से ही डेवलप होते होते सिटी तक आ गए हैं और वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है। सही माने में जो भारतीय है वो हमारे सारे ट्राइबल्स हैं, जो आज भी गांव के साथ, उस मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं। उनका कल्चर उतना ही पुराना है जितनी पुरानी संस्कृति है। ट्राइबल्स के आप नृत्य देखिए, पूरे विश्व में, ट्राइबल्स केवल भारत में नहीं है, अफ्रीका में भी है, अमेरिका में भी है, बहुत से देशों में ट्राइबल्स है। और ट्राइबल्स ने उस संस्कृति को बचाया हुआ है। कर्नाटक में ही बहुत बड़ी संख्या में ट्राइबल्स हैं। यहां सिद्धी ट्राइबल्स भी हैं, जो अफ्रीका से यहां आकर पूरी तरह से भारतीय हो गए हैं। ट्राइब उन सिद्धी में मुस्लिम सिद्धी हैं, क्रिश्चियन सिद्धी हैं, हिंदू सिद्धी हैं, तीनों। और किस प्रकार से वो हिंदी में गीत है उनके, हमने उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं ट्राइबल टैलेंट हंट में। तमिलनाडु, केरला से लेकर लद्दाख तक, नॉर्थ ईस्ट में सभी ट्राइबल्स हैं। मैं जिस प्रदेश से आता हूं, मेरा जन्म पुंछ में हुआ है, और अभी 4 दिन पहले संसद में हमें भी जो पहाड़ी है उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा मिला पहली बार। अब हम गर्व से कह सकते हैं कि मतलब मैं भी ट्राइबल हूं, हालांकि ब्राह्मण हूं मैं, लेकिन जब हम पहाड़ में रहते हैं, जैसे उत्तराखंड में एक प्रदेश है, वहां सारे ट्राइबल्स हैं और वो महाभारत काल से है, चक्रोता जगह का नाम है वहां। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सभी ट्राइबल्स हैं। उसमें फिर जाति नहीं देखी जाती, मनुष्य जाति सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके लिए सब लोग अब क्या है, क्योंकि विशेष दर्जा मिल जाता है, कुछ गवर्नमेंट से और फैसिलिटीज मिल जाएंगी उनको, वहां के रहने वाले बच्चों को पढ़ाई में और सारी चीजों में। तो इस वजह से ये ट्राइब्स से लेकर, दूसरा मेरा कहना है कि हम अपने विवाह में डीजे चलाते हैं, कोई भी फंक्शन होता है। आज भी अगर ट्राइबल्स और लोक कलाकार सुरक्षित हैं, वो हमारे मंदिरों और बहुत सारे धार्मिक संगठन उनको बुलाते हैं अपने, जब पूजा होती है उन सबका नृत्य और डांस और गायन सब कुछ होता है। हम भी अपने घर में जो फंक्शन करें उनमें हम अब ढोलू कुंता को बुलाकर, और भी हमारे कई वाद्य यंत्र कर्नाटक के ही ऐसे हैं, मैं तो बोलता हूं इनको बुलाकर अपनी शादी में बजाय बैंड के या वेस्टर्न म्यूजिक चलाने के, इसको बुलाया जाए इनको, ताकि उस कला को वो आगे बढ़ती रहे। अब उनके बच्चों ने वो काम करना छोड़ दिया है, तो धीरे धीरे वो सारी कलाएं समाप्त हो जाएंगी। हमारी कितनी गायन शैलियां जो है आप सुनाई नहीं देती है, चेती है, ठुमरी है, इस तरह के जो शास्त्रीय संगीत के गायन थे मुगल पीरियड में भी समाप्त नहीं हुए, क्योंकि मुगल दरबार में वो सब उनको गायन के लिए रखा जाता था। तानसेन जैसे जो गायक थे, जो नवरत्नों में से एक थे, आप सोचिए एक एजुकेशन जितना जरूरी है उतना ही जरूरी कल्चर भी है, उतना ही जरूरी हमारा गायन भी है, नृत्य भी है, उसके माध्यम से हम कितना पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं। तो हम सबको कला के साथ जुड़ना चाहिए। हमारे ग्रंथों में कहा गया कि कला वहीन मनुष्य पशु समान। जिस मनुष्य में कोई कला नहीं है वो पशु है। कला का मतलब केवल डांस और म्यूजिक ही नहीं है, एक अच्छी बातचीत करना भी एक कला है। आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, जब वे उनका जो समझाने का तरीका है वो भी एक कला है। शब्दों का कैसे इस्तेमाल करना लेखन भी कला है,
एक स्टोरी लिखना भी कला है, कितना एक कहानी किसने लोगों का जीवन परिवर्तन कर सकती है ना। और जो कला से जुड़ जाता है वो सबका हीरो कैसे हो जाता है सोचो आप। एक अच्छा सिंगर आपके यहां है आप सब उसको पसंद करेंगे, वो किसी भी जाति का वो भी सोचेंगे ही नहीं। एक डांसर आ जाए और वो परफॉर्म करे आपके स्कूल में, जो अच्छी लड़की डांस करती है, जो अच्छा लड़का गाना गाता है, वो सबका हीरो बन जाता है। हर बच्चे में कुछ ना कुछ कला होती है, अपनी उस कला को जीवित रखें। पेंटिंग है, स्कल्पचर है, जो भी आपका इच्छा करती है, लेखन है। हम लोग पोएट्री की वर्कशॉप्स करते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, थिएटर की वर्कशॉप्स करते हैं। थिएटर कितना महत्वपूर्ण है, देखिए नाट्य शास्त्र हमारे यहां लिखा गया था, वो कोई एक्टर बनाने के लिए नाट्य शास्त्र नहीं लिखा गया। जो बच्चा 3 साल कम से कम अगर थिएटर कर लेता है मिडिल स्कूल में, 6th, 7th, 8th में, उससे ये पता चल जाता है कि उसके अंदर टैलेंट क्या है, हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। अपनी बात को अच्छे ढंग से रखने के लिए सबको थिएटर करना चाहिए, इसलिए थिएटर आरंभ हुआ था, रंगमंच आरंभ हुआ। कितने दिन वो प्रैक्टिस करते हैं ना, पहले एक नाटक को करने के लिए कम से कम 2 महीने तक प्रैक्टिस की जाती है। तो अपने अभिव्यक्त करना, अपनी बात को अच्छे ढंग से रखना, ये केवल हम थिएटर से नाट्य जैसे सीख सकते हैं। आप स्वयं सोचिए, बचपन में हमारे बहुत सारे बच्चों की ड्राइंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो पढ़ाई के प्रेशर में उसको हमने छोड़ दिया। कोई अच्छी बांसुरी बजा सकता है, और ये भी कौन कर सकता है, कला किसके पास होती है, जिसके ऊपर सुप्रीम पावर की कृपा होती है, वो इनबिल्ट हो जाती है। आप पैसे से सिंगर नहीं बन सकते, आप पैसे से डांसर नहीं बन सकते, आप पैसे से कोई खिलाड़ी भी नहीं बन सकते। नहीं तो आज अंबानी और बिल गेट के बच्चे दुनिया के सबसे अच्छे सिंगर होते, सबसे अच्छे पेंटर होते, क्या पैसे से कोई कला को खरीद सकता है? जब तक उस सुप्रीम पावर की, परमेश्वर की कृपा नहीं होगी, कंट्री आपको अच्छा नहीं दिया तो सिंगर कैसे बनेंगे? आपके पास अच्छे विचार ही नहीं आए तो अच्छे राइटर कैसे बनेंगे? लेखन कैसे होता है? आप कभी भी चर्चा कीजिएगा, आपने कई पुस्तकें लिखी हैं, क्या इन्होंने पहले से सोचा था मैं लिखूंगा? केवल विचार आपके मस्तिष्क में आया, ब्रेन में, और आपने उस विचार को पेन डाउन करना शुरू किया, और बाद में सारे लेखक हैरान होते हैं कि ये मैंने कैसे लिख दिया। एक अच्छी लाइन गीत की किसी का जीवन बदल सकती है, एक छोटी सी कहानी किसी ने लिखी है वो सबका जीवन बदल सकती है, एक अच्छी बात किसी की सुनकर हम अपने जीवन को बदल सकते। तो इतना इंपॉर्टेंट है प्राचीन देश हमारा, प्राचीन सभ्यता हमारी अगर आज तक जीवित है, उसका मुख्य कारण है हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर। हमें अपने उस कल्चर को वापस रिवाइव करना है। ये दुर्भाग्य यह है कि जो हमारा सेक्शन 30A है, जो हमें दिया गया, जिसमें किसी भी स्कूल में कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ाया जाता, हो सकता है कि जल्दी इसको दूर किया जाए। आपको किसी लाइब्रेरी में किसी भी धर्म की कोई पुस्तक नहीं मिलेगी, मतलब ना सनातन की, ना जैनिज्म की, ना सिखिज्म की। वो जानबूझ के इसलिए किया गया था कि आप लोग अच्छी पुस्तकें ना पढ़ सके, अच्छे ज्ञान को अर्जित ना कर सके। तो हम सब अपनी रूट्स, जड़ों के साथ जुड़े रहे, अपनी संस्कृति को। आप मोबाइल सब यूज करते हैं, गूगल से रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 दिन जो आपके मन में विचार आता है उसके बारे में नॉलेज ग्रैब करना शुरू करें। अच्छे विद्वान लोगों के साथ बैठे तो आप सबसे पहले ये जाने कि मैं कौन हूं, क्यों हूं, और मैं क्यों आया हूं इस धरती पे।
हम सिर्फ क्या पैसा कमाने के लिए आए हैं? हम किसका इससे पढ़ते हैं, किसके बारे में अपनी पुस्तक में पढ़ते हैं? विवेकानंद के बारे में। क्या वो पैसे वाले थे? महात्मा बुद्ध भी महात्मा बुद्ध तब बने जब उन्होंने राजपाट छोड़ दिया। जितने भी समाज सुधारक संत आए हैं दुनिया में, उन सबको हमने बचपन से, आपने कितने लोगों के बारे में पढ़ा है? किसी नेगेटिव आदमी के बारे में भी पढ़ा? क्या रावण के ऊपर ऐसे पढ़ा किसी ने? क्या कहीं के ऊपर ऐसे पढ़ा किसी ने? नेगेटिव कैरेक्टर्स भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, और हमको क्या करना है, किसके बारे में बात करनी है? आप नेगेटिव सोचोगे तो आपका नेगेटिव ही सब कुछ होता जाएगा जीवन में। हम सकारात्मक हैं कि नकारात्मक हैं, ये हमें चुनना है। और मैं एक बात आज में गारंटी से कहता हूं, आप जो जीवन में बनना चाहते हैं केवल उसके बारे में सोचो कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे अच्छा लेखक बनना है, जो भी बनना चाहते हैं उसको चैंट करो, उसको मनन करो ध्यान में बैठ के। ध्यान का मतलब पूजा नहीं होती, आप आंख बंद कर बैठिए और इसको चैंट करिए कि मेरे को ये बनना है, और आप निश्चित रूप से उसे पा जाएंगे। एक ही स्कूल मतलब क्लास में 50 विद्यार्थी होते हैं ना, एक फर्स्ट आता है और एक फेल हो जाता है। क्या कारण है ऐसा? केवल हमारे विचार जो है पॉजिटिव, हम कैसे ग्रहण कर रहे हैं कुछ भी, उसी से हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप में बड़े अच्छे से ध्यान से मैं सबके चेहरे देख रहा था, आपने सुना। अगर किसी के पास कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए एक दो लोग। हाँ जी, want to ask anything? चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कौन सी क्लास है? बीए और बीकॉम। चलिए जी, आप ऐसे कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, ठीक है ना? और जो सोचिए देखिए, और यहाँ लड़कियां ज्यादा लड़के कम हैं, ये बहुत खुशी की बात है। हमारे देश में जेंडर इक्वालिटी कितनी ज्यादा थी, धीरे धीरे वो कम हो रही है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। आप रिजल्ट आते हैं 10th और 12th के, हमारी लड़कियां बेटियां अधिक नंबर लाती हैं। उसका कारण ये नहीं कि मैं इनकी तारीफ कर रहा हूं और बच्चों को नहीं है, हमारे कितने वर्षों से सब बेटे की ओर ज्यादा ध्यान देते थे, बेटी को पढ़ने ही नहीं भेजते थे। आज से 50 साल पहले बेटी को बस पांचवीं कर दिया तो उसके बाद घर बिठा दिया, तेरी तो शादी होनी है, तुझ क्या करेगी पढ़ के। पेरेंट्स ही बेटे को, माँ ही बेटे को घी का चम्मच दाल में देती थी और बेटी को कहती थी बेटी ये भाई के लिए रख दे, और उसको नॉर्मल दाल देती थी। ये होता था ना हमारे यहाँ, बेटे का जन्मदिन मना रहे हैं, बेटी का जन्मदिन ही नहीं मनाते थे। बेटे के सारे रिचुअल्स हो रहे हैं, उसके मुंडन भी हो रहे हैं, उसका जनेऊ संस्कार भी हो रहा है, और बेटी के मन में ही आता था कि अरे बेटी तो प्राय घर जानी है, इसके लिए क्या करना है। बहू सबको चाहिए, बेटी किसी को नहीं चाहिए। हमारा एक इसके ऊपर अभियान है, मेरी बेटी मेरा अभिमान। मैं तो बोलता हूं सब लोग, हमारे यहां आशीर्वाद ही नहीं है बेटी होने का किसी को देने का, कि आप किसी को बेटी तेरे यहां बेटी हो ये बोलते हैं तो उससे रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी। सब क्या बोलते हैं, दूधो ना पूतो भरो पुत्रवती भव, यही आशीर्वाद देते हैं ना, आप क्या कन्नड़ में देते हैं? तो हम अच्छी संतान का ही आशीर्वाद दे ना, खाली बेटे का क्यों बोलते हैं? और कल्पना कीजिए अगर वो आशीर्वाद मान लिया भगवान ने सबको, ठीक है ना, बेटा चाहिए, और मान लीजिए सबके बेटा हो गया पूरी दुनिया में, उसके बाद क्या होगा बताइए मुझे, बता सकते हैं क्या होगा उसके बाद? सबके बेटा हो गया तो
मनुष्य जाति समाप्त हो जाएगी, उसके बाद तो बेटा हो गया तो उसके बाद तो संतानें भी पैदा होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें, इसके ऊपर हम सब काम करें। हम पेंटिंग के माध्यम से जन जागरण करते हैं, स्ट्रीट प्ले के माध्यम से जो समाज की बुराई है उसके ऊपर बात करते हैं। कला कितनी महत्वपूर्ण है, एक अच्छी पेंटिंग, एक अच्छा स्कल्पचर, एक अच्छा नाटक, एक नृत्य नाटिका आपका पूरा जीवन बदल सकती है, और मैसेज कितने अच्छे से जाता है। ये मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, वो बातें कम यहां घुसती हैं, लेकिन एक गीत की पंक्ति, एक अच्छी पेंटिंग, हम इसके ऊपर पेंटिंग कॉम्पिटिशन कराते हैं। मेरी बेटी मेरा अभिमान, बेटी है अनमोल रतन, पर्यावरण के ऊपर हम पेंटिंग करवाते हैं, हमें पर्यावरण को बचाना है। मनुष्य हर चीज को खराब ही कर रहा है ना, तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, अच्छे नागरिक बने, ये सोचें कि मेरा भी ऐसे लोग पढ़े, मेरे बारे में भी लोग डिस्कस करें, हम सब ऐसा बने। बहुत बहुत धन्यवाद।